सो ये ट्रैक का सफर आगे जारी है। अब यहाँ पे आवाज आप चेक कीजिए क्या आला, मेरा ख्याल है यहाँ पे बहुत अच्छी वॉइस ओवर्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो सकती हैं। जी जनाब, आपको खुश आमदीद कहेंगे। जो आपने अभी विजुअल्स देखे हैं तो आपका इंतजार खत्म हुआ। सफर शर्त को जो ब्रेक लगी थी वो ब्रेक अब दोबारा से उसने स्पीड पकड़ ली है, दोबारा से वो गाड़ी चल पड़ी है। हमारा नया सीजन आ रहा है जिसमें वकार मलिक आपको पता है हमें सफर कराते हैं, नहीं सही वाला सफर कराते हैं, उर्दू वाला और वो हमें लेके जाते हैं, पाकिस्तान की खूबसूरती को दिखाते हैं और जिस अंदाज में दिखाते हैं इसके विजुअल्स आपने देखे। तो अभी इस नए सीजन के आगाज वादी गिजर की जानिब आपको लेकर जाएंगे। जिन लोगों ने नहीं देखा, मैं एक बात इस सेगमेंट के इस सीजन के शुरू होने से पहले कह दूं कि ये जो आपको कैमरा दिखा रहा है ये उस खूबसूरती का शायद 5-10% भी नहीं है। कैमरा इंसाफ नहीं करता इन विजुअल्स के साथ। वकार मलिक हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं और जितना इनकी आंखों ने नॉर्दर्न एरियाज को देखा और जिस जावियों से देखा है शायद कम पाकिस्तानियों ने देखा होगा। तो मैं मेरी बात से मुतफिक हैं आप? जी बिल्कुल ऐसी है और आपकी इस बात से मुतफिक हूँ कि कैमरा जो है वो इंसाफ नहीं करता। उसकी वजह यह है कि एक तो वो स्केल बहुत बड़ा है, वो स्केल आप जिस तरह मर्जी कर ले, यानी आप ग्राहकपोशी को कैसे दिखा सकते हैं कैमरे पे, उसका जो स्केल है, उसका जो हुजम है। फिर जो हवा ठंडी चल रही होती है वो भी कैमरे से टीवी से बाहर नहीं आ सकती कि आपको आइडिया हो कि वो क्या है। फिर जो फूलों की जो खुशबू है वो भी बाहर नहीं आ सकती। इस तरह की बहुत सारी लिमिटेशन है। बहुत अच्छा, बहुत आला। बल्कि गिजर जो है मुझे आइडिया हुआ कि बेसिकली अगर आपने पानियों की जल तरंग सुननी है, आपने रंगीन पानी देखने हैं, मतलब ये रंगीन पानियों की सरजमीन है ना, आप गए हुए हैं, आपको तो मालूम है कि फंडर और वो जितना भी है मुख्तलिफ जगहों पे, तो वो रंगीन पानी है। तो रंगीन पानियों की सरजमीन है, पानियों की जल तरंग आपने सुननी है, आपने ट्राउट इतनी खानी है कि आपका दिल भर जाए। तो भी और इसके अलावा अगर आपने बड़े दरख्त देखने हैं, क्योंकि जनरली गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जो फ्रूट ट्रीज हैं ये वो तो इतने, यहाँ पे जो अखरोट का दरख्त है वो बहुत बड़ा है और बहुत ही जिसको कहते हैं कि खूबसूरत नज़र आता है। तो अगर आपने बड़े दरख्त देखने हैं, अगर आपने पानियों, क्योंकि पानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में है वैसे भी आपको पता है कम है, तो जिसको हमारे बच्चे और हमारी जो फैमिलीज़ हैं उसको पसंद करती हैं। फिर इसकी जो सबसे खूबसूरती है कि आप अपनी फैमिली के साथ कि पूरी गिजर वैली में जा सकते हैं, सुकून और सुकून है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। और इसके अलावा ये है कि जो लैंडस्केप है, जो आबशारे हैं बहुत ज़्यादा है। मतलब फिर अगेन जो सबसे जो अमेजिंग मुझे चीज़ नज़र आई कि जैसे ही आप गिलगित से आगे जाते हैं तो आपके जो बिल्कुल पैरेलल आ जाता है दरिया, दरिया पैरेलल ही चलता है। दूसरा ये क्योंकि आप स्कर्दू साइड पे जाते हैं या हुंजा वाली साइड पे जाते हैं तो मतलब ऐसा नहीं है, तो या काफ़ी फासले पे या नीचे रहता है, यहाँ पे बिल्कुल साथ आ जाता है। ये भी एक बड़ी अच्छा। गिलगित ने मुझे अपने टेम्परेचर को लेके थोड़ा सरप्राइज किया था, गर्म था एज कम्पेयर टू जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था क्योंकि आई वाज अ न्यू कमर देयर। तो आप तो काफ़ी अर्सा क्योंकि आपका वास्ता रहता है, लगा रहता है आपका, तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या आगे गिजर वगैरह में बेहतर हो जाता है? गिजर तो बहुत ही मतलब ज़बरदस्त हो जाता है, लेकिन एक्चुअली ये पहाड़ हैं, यहाँ पे यूँ समझिए कि UV अल्ट्रावायलेट जो रेज है वो आपको डायरेक्ट लगती है। ओके, तो वो जब धूप होगी, बहुत तेज धूप होगी और वो आपकी इवन स्किन को जला देती है, लेकिन अदरवाइज आप छाँव पे बैठ जाए। गिलगित क्योंकि उसका इतना एल्टीट्यूड नहीं है, लेकिन इवन देन गिलगित मेरा मतलब आप अगर साय में बैठे हुए हैं तो अच्छा, एक प्लेजेंट वेदर है। अच्छा वकार भाई, इस सीजन में हमें क्या क्या इंटरेस्टिंग, कौन कौन सी जगहों पे आप लेके जाएंगे, किस तरह से आपने लोगों से, आपके जो कह ले इन सफर शर्त के सेगमेंट की खास बात ये होती है कि आप लोगों से इंटरेक्शन जिस तरह से वहाँ करते हैं आम लोगों से और वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके जिस तरह की फीलिंग्स होती हैं उसको आप हमारे से शेयर करते हैं, तो उस हवाले से भी बताएं। देखिए अब आप मुझे वहाँ पे जाके दोस्तों से और फिर वहाँ पे काफ़ी यानी रहने के बाद, कम्युनिकेशन करने के बाद, गपशप करने के बाद अंदर की बातें पता चलती हैं। तो मसलन कोई सोच भी नहीं सकता कि किसी बंद दरवाजे के पीछे झील हो सकती है, यानी आप एक दरवाज़ा नॉक करें और दरवाज़ा खुले और उसके पीछे एक झील हो, लेकिन वो एक बंदे की अपनी ज़ाती झील है, आपको वहाँ इस तरह तो नहीं जा सकते आप, आपको दरवाज़ा नॉक करना पड़ता है और उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। अंदर जो झील है वो पाकिस्तान की बिल्ला मुबालगा सबसे खूबसूरत तरीन झील है और उसकी वजह यह है कि उसके जिस तरह कहते हैं ना कि झील को पानी का ज़खीरे का नाम नहीं है, पानी का ज़खीरा जो है तो उसको झील तो नहीं कह सकते। झील उसके डिफरेंट शेड्स वो डिफरेंट, यानी आप उसमें किसी तौर बोर नहीं हो सकते। अब झील की जहाँ जहाँ जाए, शख्स ने कभी नहीं सोचा कि उस झील को किसी अच्छे से लेविश से स्विमिंग पूल में। मेरा ख्याल है कि वो उनकी उनसे जो गुफ्तगू हुई वो बड़े मज़े की थी और मेरा ख्याल है कि उन्हीं के पास रहे तो बहुत अच्छा है। अच्छा जो बंदा मछलियों को, अब अच्छा फर्स्ट टाइम मैंने किसी झील में बिल्कुल अपनी आंखों के साथ पूरी ट्राउट जो है झील के अंदर, यानी इतना वो ट्रांसपेरेंट पानी है। और वो जो साहब थे जो इनके मालिक हैं तो वो कह रहे थे कि ये मेरे बच्चे, वो अपना बच्चे समझते हैं उन मछलियों को। अच्छा। और इसी तरीके से वाइल्ड लाइफ के वो बहुत एहतराम करते हैं। तो ठीक है, मेरा मतलब है कि एक तो साफ तो है ना कम से कम, तो लेकिन बहुत खूबसूरत। वैसे किसी को अगर पब्लिक कर दी जाए तो ये सफाई तो ना रहे और वो खूबसूरती भी शायद, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। यासीन वैली है इसमें, अशकुमन वैली है, फिर फंडर वैली है, फिर जो भी गिजर में आई थिंक ये 20 से 25 एपिसोड। अच्छा, खाने वाले भी हैं इसमें वहाँ के? ट्राउट तो है ही है, इसके अलावा जो लोकल खाने हैं जो ट्रेडिशनल हैं फूड, वो बनाने का तरीक़ाकार और रेसिपीज़ और वो तमाम चीज़ें भी शामिल हैं। और स्पेशली जो है ना वो जो इसका लैंडस्केप इस हवाले से बहुत अहम है, खूबसूरत है कि एक तो टूरिज़म उस तरफ कम है। ठीक है। अच्छा, अच्छा पता नहीं हमें अजीब सर दिल बैठना शुरू हो जाता है कि एक तरफ जब हम कहते हैं कि टूरिज़म का फ़रोग हो तो वो हमारी अंदर की ख्वाहिश होती है, लेकिन पैरेलल आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर फ़रोग होगा तो का फंडर फंडर रहेगा, यानी ये भी तो हम दोनों तरफ फंसे हुए हैं। कतई तौर पे नहीं रहेगा ना, तो वो फंडर जो है अगर जैसे आपने देखा होगा ऊपर से जब आप जाते हैं तो अगर आप आज से 10 साल बाद अगर जाएं और वहाँ पे एक नारायण जैसा शहर होगा और इस पे बाकायदा मुझे याद है आपने एक पहले भी एक मैंने किया था, बाकायदा तौर पे किया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों और वहाँ पे ज़मीनें इस तरह बिकना शुरू हो गई हैं तो जो डेफिनेटली ज़मीन लेगा तो वो कुछ ना कुछ तो बनाएगा। उसको इस चीज़ से गरज नहीं है कि एस्थेटिक्स और ये लैंडस्केप और ये सिमेट्री खराब हो रही है। तौर पे हम जब बाहर मुमालिक में जाते हैं तो वहाँ पे मुख्तलिफ इंटरनेशनल पार्क्स होते हैं, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, इंटरनेशनल पार्क की एक सर्टन फीस होती है जब आपकी इमिग्रेशन पे आपसे ले ली जाती है। दूसरा ये कि दे ट्राई टू मेक श्योर कि आप यहाँ पे ये हरकत नहीं करेंगे जिससे वो जगह खराब हो सकती है। यहाँ पे अभी तक ऐसे कोई लॉस नहीं है, आई डोंट सी। आपको अगर है तो इम्प्लीमेंटेशन भी है। हाँ जी, जीबी तक है, जीबी तक है, मतलब देओसाई नेशनल पार्क है या कराकोरम पार्क है या खुंजराब नेशनल पार्क है। अच्छा। या ये तमाम नेशनल पार्क्स के अंदर तक तो जीबी के हद तक तो है, मतलब मारखोर जिस तरह बचा है एंडेंजर्ड स्पीशीज है लेकिन अब काफ़ी हद तक सेफ है। इसी तरीके से जो आईबेक्स है या इसी तरह का तरीके से जो ब्राउन बियर है जो देओसाई पे है। Okay. तो ये डेफिनेटली इसी वजह से हुआ है क्योंकि वो है गिजर भी जो है, क्योंकि आप ये हैरान कुछ बात है अरमिला कि हम जनरली कहते हैं हुंजा 100% लिटरेसी रेट, 100 गिजर इक्वली इसी तरह ही है तालीम में। गिजर भी, और गिजर जो है उसमें एक चीज़ जो अहम है वो ये है कि पूरे गिलगित, आप देख रहे हैं गिलगित एक चौक है, उस चौक में से आप स्कर्दू जाएं, नलतर जाएं, हुंजा जाएं, आप आगे चले जाएं गिजर की तरफ चले जाएं। और इस चौक में जब आप गिजर की तरफ जाते हैं तो गिजर की जो मुनफरिद शनाख्त है वो इसकी लैंड है वास्ट, यानी जो जिसको कहते हैं ये जो काबिल ज़राअत के हवाले से काबिल काश्त बहुत ज़्यादा, यानी अखरोट के हवाले से। लेकिन अभी सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो अभी कारोबारी नहीं है। ये उनके अंदर एक कमी है, इसको आप मुस्बत भी ले सकती हैं लेकिन कमी इस हवाले से है कि मसलन आप किसी होटल में ठहरे हैं या आपने किसी से अखरोट लिए हैं तो जब पैसे देने की बारी आएगी तो वो ना बिल्कुल उसकी नज़रें झुक जाती हैं वहाँ का जो गिजर का आदमी है और वो उसको समझ नहीं आती कि मैं पैसे कैसे लूँ, मतलब वो ये अभी उनके अंदर लेकिन आप होटल में ठहरे हैं तो उसके पैसे अब वो समझते हैं कि यार ये होटल में ठहरे हैं तो इन्होंने क्या हमारा ले गए। एक तरह से देखी जाए कितनी पॉजिटिव, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि इनको एक्सप्लॉइट ना। मुझे एक जुमला उनका याद रह गया, मैं पहले भी आपको बताया था कि जब हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमें खुबानियाँ चाहिए तो उन्होंने कहा खा लें, साथ उन्होंने कहा कि लेकिन पौधे को नुकसान, पौधे को निचोड़ना नहीं, ये उन्होंने कहा कि बाकी आप खा लें। बिल्कुल। अच्छा वकार भाई, आप इतनी दफ़ा जाते हैं इन जगहों पे, मुझे क्यूरियोसिटी भी है, लोगों को भी मेरे ख्याल से पता होना चाहिए कि हम एक जगह पे शायद बार बार जाते हैं तो हमें बोरियत होने लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। आपने बहुत ज़्यादा ट्रेवल किया, आप नॉर्दर्न एरियाज में बार बार जाते हैं, आपको बोरियत नहीं होती? आपको क्या चीज़ है वहाँ पर जो इतनी इंटरेस्टिंग लगती है कि आप दोबारा जब आपसे पूछे वकार भाई छुट्टियों पर जा रहे हैं तो नॉर्दर्न एरिया जा रहे हैं, हमने नहीं सुना कि आप कहीं और जा रहे हैं? ये इधर रहने आते हैं बेसिकली, नहीं मेरा तो खैर शुमार उन लोगों में नहीं होता जो इधर रहने के लिए आते हैं। ऐसे हैं कमरान सलीम जैसे जो हमारे दोस्त हैं फोटोग्राफर और इस तरह बहुत सारे लोग जो एक्चुअली उधर रहते हैं और यहाँ आते हैं कभी कभी आते हैं। एक्चुअली दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं जो डिटेल्स या जुज़ियात को देखने वाले लोग होते हैं। अच्छा वो बार बार भी किसी जगह जाते रहे तो उनका वो मन नहीं पड़ता। वो एक और होते हैं जो कि नई से नया चीज़ उनको वो खुशी देती है। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि गिलगित बल्तिस्तान इतना बड़ा है कि राणा साहब के बारे में कहा जाए तो मेरा ख्याल कि वो 30% से ज्यादा क्लेम कर सकते हैं कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान देखा है। अच्छा। तो इसी तरह और बहुत सारे लोग हैं जो जो फिरंतु जिनको हम कहते हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के फिरंतु लोग हैं, वो भी ये नहीं कह सकते कि उन्होंने जीप भी पूरा देखा है। गिलगित बल्तिस्तान बहुत बड़ा है, वैलीज हैं, ट्रैक्स हैं, सारा कुछ। तो हर दफा सिर्फ ये जरूर, अब मैं काराकोरम हाईवे से मेरा दिल नहीं भरता, कभी भी नहीं भर सकता। तार साहब ने मेरा ख्याल है कि 5600 दफा किया होगा, लेकिन उनका भी ये नहीं कह सकते कि वो काराकोरम हाईवे से उनका कभी दिल, वो मुमकिन नहीं है। वो जब भी आप जाएंगे तो आपको नया शेड, नई चीज देखेंगे। इसी तरह जब आप वहां जाते हैं तो वहां पे आपको कुछ ना कुछ नया था। इन दी एंड लास्ट 30 सेकंड्स कुछ कहना चाहें जो लोग ये सिलसिला देखने जा रहे हैं, नया आपका सफर इस शर्त। मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ ये जरूर इल्तमास करेंगे कि ये आप देखिए और आप अपने बच्चों को जरूर लेके जाइए, अपने फैमिली को जरूर लेके जाइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा, यानी आप खूबसूरत बड़ी आसानी से वहाँ पहुँच सकते हैं, इसमें तो कोई मसला। और ये राइट सीजन है, लेकिन वहाँ पे जो लोकल, एक तो एक्सप्लॉइट नहीं होने चाहिए जो लोकल लोग हैं, उनको अगर वो कह रहे हैं तो उनको ज़बरदस्ती पैसे देंगे, भाई खुदा के लिए। वो मेहमान नवाजी में ये किसी वाले से वो थोड़ा सा हेजिटेशन फील करते हैं, गंद नहीं मचाएं और वहाँ पे डिस्करेज करें ये जो उल्टी सीधी बिल्डिंग्स बनती हैं। और लोकल्स को भी डेफिनेटली काराकोरम पे गाड़ी चलाते हुए जरा बिहेव करें। कुछ लोग यहाँ से जाते हैं तो वो उसको भी लाहौर मॉल रोड समझ लेते हैं, या फिर इस तरह से नहीं करें, तरीके से चलाएं और एंजॉय करें हमारे एरियाज, और हर हमारे ऐसी जगह को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच सफर इज शॉर्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। ब्रेक लेते हैं।